प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है अनर्थ बातों के विषय में और गुप्त पापों के विषय में। हम आज जानेंगे कि गुप्त पाप क्या हैं और वो अनर्थ बातें क्या हैं जो हम पर प्रबल होना चाहती हैं। भजन संहिता 119 अध्याय के 33 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। और ये गुप्त पाप क्या हैं, इनको भी आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हम देखते हैं यदि भजन संहिता 19 अध्याय के 12 पद में तो यहाँ लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। ये गुप्त पाप जो हमें बार बार परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, आज इन बातों को हम जानेंगे। तो इस वचन को पूरा सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा राजा है जो कीड़े पड़ के मर गया। नए नियम का ये बात है, नए नियम की बात है, आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम में। वो कौन सा राजा है जो कीड़े पड़ के मर गया, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप मेरी जो मिनिस्ट्री है, मेरा जो दर्शन है, उसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मेरे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें हाथ बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये दर्शन पूरा हो, तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। ये नंबर है मेरे, व्हाट्सएप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, एसएमएस कीजिए, नॉर्मल कॉल कीजिए, मैं ज़रूर आपसे बातचीत करूँगा। और मुझे बताइए कि आप किस तरीके से इस दर्शन को पूरा करने में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी ज़मीन की ज़रूरत है हॉस्पिटल के लिए और धन की ज़रूरत है, तो इन दोनों बातों के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो ज़रूर अपना हाथ बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता। जितना भी आप करेंगे उसका हज़ारों लाखों गुना परमेश्वर आपको लौटा कर देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का काम है, मेरा अपना काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी मिनिस्ट्री से नहीं जुड़ा हूं, मैं इंडिपेंडेंट काम करता हूं, आज़ादी से काम करता हूं, अकेला काम करता हूं। और ये जो हमारा जो काम है ये परमेश्वर के लोगों के ज़रिए ही चलता है, जो लोग हमें हेल्प करते हैं उनके ज़रिए ही हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ज़रूर आप भी आगे आइए ताकि परमेश्वर के काम को हम आगे बढ़ा सकें। किसी बाहर की मिनिस्ट्री से मेरा कोई संपर्क नहीं है कि मेरे पास बाहर से पैसा आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे फ़ोन पर बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं, मेरे पास आकर मेरी सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से मेरे पास ऐसा पैसा आ रहा होता तो मैं आपसे कभी भी इस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप चाहते हैं मेरी मिनिस्ट्री और चैनल के ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प करना, तो उसके लिए भी आपका मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। आज अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई कर प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए वो फलवंत हो और वो 30-60-100 गुना हज़ारों गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता परेशानी, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। और प्रभु जी, जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस घर लेकर आ प्रभु, अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि गुप्त पाप क्या है, गुप्त पाप क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 33 पद से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दाऊद ने क्या लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 133 पद यहाँ लिखा है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे।
अनर्थ बातें हम पर प्रभुता कर जाती हैं। कब? जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, क्योंकि संत पौलुस ने कहा जब हम शरीर में होते हैं तब हम परमेश्वर से अलग होते हैं। तो लिखा है मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, मतलब जमा दे अच्छी तरह से, बस तेरे मार्गों पर ही मैं चलता रहूं, कोई भी अनर्थ बात मुझ पर प्रभुता ना करे। अनर्थ बातें बहुत सारी हैं जो हम पर आकर प्रभुता कर जाती हैं। हम तीन चीज़ों को देखते हैं, एक तो शैतान है, एक पाप है और एक संसार है। ये हम पर प्रबल हो जाते हैं और हमें परमेश्वर के मार्ग से अलग करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो अनर्थ बातें इन तीनों के ही पास है, पाप के पास है, शैतान के पास है और संसार के पास है। तो यहाँ पर दाऊद बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। तो आइए देखेंगे इसके विषय में क्या प्रार्थना की है दाऊद ने, इसी में देखेंगे भजन संहिता 19 अध्याय में। अभी हमने 119 देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे 19 अध्याय की 13 आयत को हम देखेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे चलेंगे 12 आयत को पढ़ेंगे, फिर उल्टा मतलब ऊपर को हम जाएंगे, तब जाकर बात सारी समझ में आएगी। हम 13 पद को सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है तू अपने दास को ढिटाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। लिखा है कि तू अपने दास को ढिटाई के पापों से, ये ढिटाई के पाप और गुप्त पाप क्या है? वो पाप जो हम बार बार करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, एक बार करने के बाद पश्चाताप कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, फिर उसमें हम लिप्त हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा है तू अपने दास को ढिटाई के पापों से भी बचाए रख, पर वह मुझ पर प्रभुता न करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। सिद्ध हो जाऊंगा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 अध्याय के आखिरी पद में कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और परमेश्वर ने भी इब्राहिम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इब्रानियों 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि तो आओ, इसलिए आओ मसीह के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये गुप्त पाप और ढिटाई के पाप हमें सिद्ध बनने से रोक देते हैं। हम परफेक्ट नहीं हो पाते, हम मास्टर नहीं बन पाते, सिद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि ये ढिटाई के पाप और गुप्त पाप हमें क्या करते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे 12 पद को, देखिए क्या लिखा है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तो ये गुप्त पाप क्या होते हैं? गुप्त पाप वो होते हैं जो हम अकेले में करते हैं, छुपकर करते हैं, सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। चाहे वो नशा हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो वैश्या की संगति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मास्टरबेट हो, अगर ये चीज़ें हैं तो हम गुप्त पापों में लिप्त हैं, गुप्त पापों में लिप्त हैं। तो यहाँ लिखा है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ, 19 अध्याय के 12 पद में लिखा है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दोस्तों, हमें प्रतिदिन इस प्रार्थना को अपने प्रार्थना का हिस्सा बनाना चाहिए और कहना चाहिए प्रतिदिन, प्रभु कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर दे, मेरे गुप्त पाप। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं, छुप कर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम जानते हैं या परमेश्वर जानता है, और कोई भी नहीं जानता, और कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है या हम जानते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, कौन से गुप्त पाप हैं जो हम लोगों से छुप कर करते हैं, अपने माता पिता से छुप कर करते हैं, अपनी पत्नी से छुप कर करते हैं, अपने पति से छुप कर करते हैं, अपने बच्चों से छुप कर करते हैं, और अपने सगे संबंधियों से छुप कर करते हैं, दोस्तों से छुप कर करते हैं, वो कौन सी पाप है? वो पाप है जिन्हें परमेश्वर देखता है और फिर हमें दंड भी देता है उसका। तो यहाँ पर साफ रीति से लिखता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। कैसे पवित्र होंगे हम इन गुप्त पापों से, जो मैंने आपको बताया अभी, व्यभिचार हो गए, गंदे काम हो गए, नशा हो गया, वैश्यागमन हो गया, मास्टरबेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। ये गुप्त पाप हैं जिसमें हम लिप्त हो जाते हैं, हम लिप्त हो जाते हैं और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। देखिए, अगर हम 9 आयत से इसको पढ़ें, 9 से 11 तक, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर का भय
हमें क्या करता है, इन सारे गुप्त पापों से और ढिटाइयों के ढीठपन के पापों से हमें क्या कर देता है, बचा लेता है। तो भजन संहिता 119 के 133 पद में लिखा है कि किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दी। प्रतिदिन की प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य कमज़ोर है और बार बार हम गुनाह में गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम मनुष्यों से छुपा सकते हैं, हम अपने दोस्तों से छुपा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं है। परमेश्वर एक दिन वो सारी बातें उजागर कर देता है, संसार के सामने भी, परिवार के सामने भी, हर एक बात के सामने वो उजागर कर देता है। वो बातें हमारी सबके सामने आएंगी और लोग हमें क्या करेंगे, हमें घृणा भरी नज़रों से हमें देखेंगे कि ये कैसे लोग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनर्थ बातें जो हैं वो हैं गुप्त पाप और ढिटाई के पाप, वो अनर्थ बातें हैं, जिसके विषय में दाऊद कहता है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 133 पद में जब हम पढ़ते हैं, तब वहाँ पर लिखा है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। ये अनर्थ बातें क्या हैं, ये गुप्त पाप हैं जो मैंने बताए हैं आपको, और ढिटाई के पाप, यही गुप्त पाप ढिटाई के पाप बन जाते हैं तब जब हम बार 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 उनको करते रहते हैं, परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं होता और हम उसी में लिप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, चिंताओं में पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या बहुत सारे नुकसान हमको होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ढीठ पने की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, हम हटीले हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, परमेश्वर के भय को समझने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है भजन संहिता 19 अध्याय के 9, 10 और 11 पद में कि इन्हीं के द्वारा मैं चिताया जाता हूँ। किन के द्वारा? परमेश्वर के भय के द्वारा। वो उसकी, परमेश्वर के भय की जो विशेषता है वो बताई गई है इसमें भजन संहिता 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 9, 10 और 11 पद को, तो देखिए वहाँ पर क्या बताया गया है कि यहोवा का भय पवित्र है, पहली बात, वह अनंत काल तक स्थिर है। दूसरी बात, यहोवा का के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और कुंदन से भी बहुत बढ़कर मनोहर हैं, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। जब हम परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, उसके भय में होकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ढिटाई के पापों से और गुप्त पापों से हमें बचा लेता है। गुप्त पापों से हमें बचा लेता है। गुप्त पाप वही हैं जो हम संसार से छुप कर करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा। हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में, जब हम देखते हैं वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि जब हम छुपकर कोई काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और 15 पद से पढ़ूंगा, 15 और 16 पद। यहाँ लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमको कौन जानता है। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया, या रची वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे कि वह कुछ समझ नहीं रखता? परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, दिखता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। वो कहता है कि हाय उन पर जो अपनी युक्तियों को परमेश्वर से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अंधेरे में अपने काम करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमें कौन जानता है। कौन से काम है जो अंधेरे में होते हैं? वो है गुप्त पाप और ढिटाई के पाप जो हम अंधेरे में या अकेले में करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है, अगर हम ऐसे कामों में लिप्त हैं तो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे ढिटाई के और गुप्त पापों से हमें बचा प्रभु, क्योंकि ये हमें बार बार तुझसे अलग लेकर जाते हैं प्रभु। प्रभु हमें सिद्ध बना ताकि प्रभु जी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएँ और तेरे सम्मुख खड़े रहने वाले बन सकें। हमें समझ दे और प्रभु जी हमें ताकत बल शक्ति दे ताकि प्रभु जी हम इन बातों से दूर रहकर तेरी महिमा कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें। परमपिता परमेश्वर, हमारे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को हम पर प्रभुता ना करने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर इस प्रार्थना को सुनकर हमें ढिटाई के पापों से और गुप्त पापों से बचाने का
बचाएगा और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देगा। क्योंकि भजन संहिता 119 अध्याय के 11 पद में लिखा है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो ये वचन जो है परमेश्वर का वचन, उसका भय हमें बताता है, उसके नियम, उसके कानून, उसकी आज्ञा हमें बताता है। ये हमें ढिटाई के और गुप्त पापों से बचाने में सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ग्रुप में आपका सवाल है कि कौन सा राजा कीड़े पड़ के मर गया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं और मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कई दिनों से, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को, इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें। तो आगे आइए क्योंकि समय निकलता चला जा रहा है, बहुत जल्दी हमें इस काम को करना है। 3 साल का समय परमेश्वर ने हमको दिया है, तो हमें इस बारे में आगे बढ़ना है। और मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि मैंने जो परमेश्वर ने मुझे बताया किस प्रकार से हॉस्पिटल में आत्मिकता का काम भी होगा, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इंतज़ार कीजिए मेरे उस वीडियो का और इन नंबरों पर मुझसे बातचीत कीजिए। व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, SMS कीजिए, मैसेंजर पर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं और नॉर्मल कॉल करके मुझसे बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं हर एक कॉल उठाकर हर एक से बातचीत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु हमें ढिटाई के पापों से और गुप्त पापों से बचा, ताकि हम भी सिद्ध बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।